कौन सा सांसद है हमारे, उनके घर पर चूल्हे बसाने चाहिए, उन सांसदों पर दो जगह बैठ करके संसद में हम लोगों के हक अधिकार छिनवा रहे हैं। बावड़ी मस्जिद का एक पूरा खेल रचा दिया गया, आज वहाँ एक आडम्बर के लिए मंदिर कायम किया गया, पत्थर के लिए प्राण प्रतिष्ठा, इसमें जान डाल देंगे। मुझे कोई बतला दे यदि जान डाल सकता हो, मरा हुआ मेरा एक इंसान, मेरा दोस्त बैठा है, उसके लिए जान डाल दे, आतंकवाद फैला रहे हैं। ये हम लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र। आज मुस्लिम समाज को इसीलिए दबाया जाता है कि वो पाखंडवाद छोड़ के, अंधकार छोड़ करके, अंधविश्वास छोड़ करके, उस पाखंडवाद मिटाने के लिए जोरदार तरीके से सामने आया खुल करके। हमें समझना होगा हमारी गलतियां कहाँ है, हम कौन से पाखंडवाद पे चल रहे हैं। आज उस पाखंडवाद का साथ देते हैं, उस अंधकार का जो हमें हमारे आने वाले नस्लों के लिए आजादी के लिए रास्ते बंद कर रहा है। वो पानी हमारा जो पीने का अधिकार नहीं था, वो पानी हमारे आने वाले नस्लों को साफ सुथरा मिल जाए, क्या इसलिए कि हम संसद में पहुंचने वाले हो गए, हमें शिक्षा का अधिकार मिल गया। एक व्यक्ति कहता है और उसके ऊपर झंडे तिरंगे लहरा जाते हैं, और एक व्यक्ति कहता है तो उधर को डोल जाते हैं। यही मनुस्मृति है, मनुस्मृति लागू है। साथी और आप भी सम्मानित साथी, जो इतनी बड़ी इंडिया में से कुछ चुनिंदा लोग ही यहाँ तक पहुंचे, तो आप अपने लिए कम से कम जोरदार तालियां तो बजा दें। पता चले कि हाँ जागरूक हैं। आज हमारे बहुजन समाज में एक विषायल जिसका विष कहते हैं कुछ ऐसा फैल गया है कि हम लोग आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आज इस मंच पे लिखा है बहुसंख्यक समाज के हक अधिकार को, लेकिन इस बहुसंख्यक में हमारा एक मुस्लिम समाज जिसकी आबादी कम से कम 22% है, तो यहाँ कम से कम मुस्लिम साथियों को भी एक दो को तो बुलाना चाहिए था, मंच पर होना चाहिए था। यानी उस मनोवादी में और हम में भी तो कुछ फर्क होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से आए, सत्ता में कैसे आएंगे। जब भी सपा की सरकार बनी, बसपा की बनी, कांग्रेस की बनी या किसी अदर की, तो मुस्लिम समाज हमेशा कंधे से कंधा बना मिला करके खड़ा हुआ। बाबा साहब को, भीमराव अंबेडकर साहब को जब कहीं संसद में नहीं भेजा गया तो मुस्लिम समाज ने ही अपनी सीट खाली करके दी थी, और आने वाले वक्त में बाबा साहब से भी सुने और पूछे, उनके अमलों पर भी हम अमल करें, जो कहे हुए रास्ते हैं हम उन पर भी अमल नहीं कर रहे। हम झूठे अंबेडकरवादी हैं, हम झूठे अंबेडकरवादी हैं कि हम लोग जय जय भीम का नारा लगाते हैं, लेकिन हमारे अंदर आज देखे झांक करके क्या है बसा। आज उस पाखंडवाद का साथ देते हैं, उस अंधकार का जो हमें हमारे आने वाले नस्लों के लिए आजादी के लिए रास्ते बंद कर रहा है। आज जो देश में भारतीय संविधान की शपथ लेकर के प्राइम मिनिस्टर बनता है, गृह मंत्री बनते हैं, मंत्री लेवल बनते हैं, सांसद विधायक बनते हैं, बताएं वो कौन सा काम कर रही है, अनुच्छेद 51 का सरासर उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हाथ उठाए कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पाखंडवाद फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे, कैमरा भी घुमाइए सबकी और दिखाए कि हाँ हमारे देश में जो होना चाहिए संविधान विज्ञान की ओर ले जाना चाहिए, शिक्षा की ओर ले जाना चाहिए, लेकिन आज हम लोग किस ओर जा रहे हैं। आज देखे गणतंत्र दिवस को, अभी क्या दिन हुए हमारे यहाँ पर, 2 दिन गुजरे, उसी 2 दिन के अंदर मैं घूमा हूँ सारे में, अभी दिल्ली में घूम लीजिए, कौन से झंडे लगे हैं, हमारे देश का राष्ट्र का झंडा कौन सा है, कोई बतलाए 4 रंग का झंडा है या नहीं है, या 1 ही रंग का झंडा है, अरे बोलो भाई, है ना, लेकिन कहाँ लगे हैं, किसके घरों पर लगे हैं। मुस्लिम समाज ने मदर सोने जिसमें वह अगुली उठाते थे वही तिरंगे लहराए हैं, मुस्लिम समाज के लड़कों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने रैलियां निकाली हैं, लेकिन बताएं और समाज ने कहाँ निकाली है, कहाँ रखे उनके झंडे, कहाँ देश है, कहाँ राष्ट्रवाद है। हम लोग झूठे अंबेडकरवादी बनते हैं, दिल से मानिए। और जो आज हमारे संसद में हमारे बहुजन समाज के लोग बैठे हैं, वो 131 क्या कर रहे हैं, संविधान को धराशायी कर रहे हैं, तुरंत वो जिम्मेवार है, यदि वो चाहते तो समाज में आज बहुत बड़ी क्रांति आ जाती। आज जोन सा एक गठबंधन बना था जिसपे आज उम्मीद जगी थी बिहार में कि हाँ ये एक बहुजन समाज का एक लीडर के लिए चिंतित हुए,
ओबीसी की जनगणना कराई, जाति आधारित जनगणना कराई, नौकरियां दिलाने के लिए प्रतीक बनाई, और आज वो कहाँ है, किस पैंदी में, जिस पैंदी में बैठे थे वही लुटक कर, वही मांड में कट करके फिर वही डोल गए। क्यों? यानी हमारे दुश्मन हमारे समाज का, बहुजन समाज के हम लोग खुद है। हमें समझना होगा हमारी गलतियां कहाँ है, हम कौन से पाखंडवाद पे चल रहे हैं। जब ऐसे समाज का यदि भला चाहिए तो हम लोगों को ऐसे समाज को, ऐसी समाज को दो वोट का अधिकार आज लेना होगा और चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए, बाबा साहब ने लिया था, हमारे आने वाली नस्लों को भी दो वोट का अधिकार चाहिए। मुस्लिम समाज को संख्या के अनुपात में संविधान के अकॉर्डिंग एक एक सीट जहां उनकी आबादी है उसके अकॉर्डिंग यदि वो संख्या मिल जाती है संवैधानिक अनुपात में, वो सीटें 110 के आसपास बैठ जाएंगे लोकसभा में। तो ऐसे समाज को हमेशा मुस्लिम समाज ने साथ और सहयोग दिया है, तो जब लोकसभा में यदि कोई फालतू बोलेगा बोल नहीं सकेगा। आज मुस्लिम समाज को इसीलिए दबाया जाता है कि वो पाखंडवाद छोड़ के, अंधकार छोड़ करके, अंधविश्वास छोड़ करके एक विचारधारा पे कायम हुआ, मुस्लिम समाज के लिए एक इस्लाम मजहब अपनाया, और आज उसी से, क्योंकि वो क्रांतिकारी है, जब भी यहाँ क्रांति हुई है मुस्लिम समाज ने हमेशा बहन बेटियों का साथ दिया, उस पाखंडवाद का मिटाने के लिए जोरदार तरीके से सामने आया खुल करके। लेकिन आज हमारे मुस्लिम समाज को मरता पिटता देख करके SC ST एक्ट लगवा करके बहुत सारे कारोबार बंद करवाने का काम करते हैं, तो ये अलग से नहीं आता है। अभी मेरठ की, मेरे मवाने की घटना है, दो हॉस्पिटल मुस्लिम समाज के बंद करा दिए गए, तो क्यों, जबकि वो साथ दे रही है, कैसे हो रहा है ये, क्यों हो रहा है? तो मुस्लिम समाज को, हम लोगों को आपस में बांटने का काम जो उनसे षड्यंत्र बैठा है उसके ऊपर फोकस करना होगा। और ये EVM ही मनुस्मृति है, आज संविधान लागू कहाँ है, इसी गणतंत्र दिवस पर है, आपको मैंने बतला दिया, बतलाए मुझे कहाँ लागू है, कौन से संविधान की हम बात कर रहे हैं। मुस्लिम समाज ही अपने अंदर कानून प्रवस्थी के लिए कानून को मानने वाला, और हंसते हंसते बावरी मस्जिद का एक पूरा खेल रचा दिया गया, आज वहां एक आडंबर के लिए मंदिर कायम किया गया, पत्थर के लिए प्राण प्रतिष्ठित के लिए इसमें जान डाल देंगे। मुझे कोई बतला दे यदि जान डाल सकता हो, कोई मरा हुआ मेरा एक इंसान, मेरा दोस्त बैठा है, उसके लिए जान डाल दे, हॉस्पिटल में बैठे हैं उनमें जान डाल दे, डाल सकता है कोई? ये हम लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र, कब सीखेंगे समझेंगे, कब, जब हम आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। बाबा भीमराव अंबेडकर ने चार चार पेटों की कुर्बानियां दे दी, मरते हुए छोड़ करके गए हम लोगों के लिए कि मेरी आने वाली नस्लें तुम्हारे से गुलाम ना हो जाए। वो पानी हमारा जो पीने का अधिकार नहीं था, वो पानी हमारे आने वाली नस्लों को साफ सुथरा मिल जाए। क्या इसलिए कि हम संसद में पहुंचने वाले हो गए, हमें शिक्षा का अधिकार मिल गया, इसलिए आज हम कहां बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं, कौन से सांसद हैं हमारे, उनके घरों पर चूल्हे बरसाने चाहिए, उन सांसदों पर जो जुमा बैठ करके संसद में हम लोगों के हक अधिकार छिनवा रहे हैं, जूते बरसाने चाहिए, नहीं बरसाने चाहिए, आवाज दिए जी जोर से। तो इसीलिए EVM हटाने के लिए जो मुद्दे बनाए हैं, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं, ये इन लोगों को, संगठनों को कोई मामूली नहीं, इन लोगों ने जो एक विश्वास बनाया उसको कायम किया, तो हम लोगों को घर घर से आवाज उठानी चाहिए साथ और सहयोग देने के लिए, साथ और सहयोग देने के लिए तैयार है। जो बहुजन मीडिया यहाँ चली है, ये लोग भी इतनी दूर से आते हैं, नेट भी खर्च होता, पैसा भी खर्च होता है, लेकिन हमारे लीडर जिनके पास पैसा है या हमारे बिजनेसमैन है, इन लोगों को लिए खर्चे तक के लिए पैसा नहीं देते। इनकी कुर्बानी है सबसे बड़ी, उनकी कुर्बानी नहीं, जो मीडिया बैठी है घरों में वो षड्यंत्र बचा रही है, इनकी कुर्बानी को मैं सलूट करता हूँ कि ये जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं बहुजन समाज का, वो प्रोग्राम जागृत करने के लिए, जगाने के लिए लगे हुए हैं। इसीलिए आने वाले किया गया है कि वो EVM के मुद्दे को झकझोर दे अपने अपने शहरों में, अपने अपने देश में, पूरा समझ ले कि हमारे अंदर क्या क्रोनोलॉजी है, हिंदू मुस्लिम नहीं, जब मुस्लिम नहीं था तो उससे पहले कौन सी लड़ाई थी, वही लड़ाई आज है,
एक व्यक्ति कहता है और उसके ऊपर झंडे तिरंगे लहरा जाते हैं, और एक व्यक्ति कहता है तो उधर को डोल जाते हैं। यही मनुस्मृति है, मनुस्मृति लागू है। मेरे देश का नाम भारत है, इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत। भारत में सभी लोग रहते हैं, सबकी आस्था है, सिखों की, जैन की, बौद्धों की, लिंगायत की, मुस्लिम की, अल्पसंख्यकों की, सबकी। कहां कहां तक देश दोगे, कहां तक जनता, फिर बंटवारा करोगे क्या? देश को आज ग्रहयुद्ध की ओर धकेला जा रहा है, इसको समझे। ये हमें ही समझना होगा, जनता को, कोई और फैसला नहीं करेगा। नहीं तो लीडर तो जिधर को देखा नोट और उधर को चल दी अपना वोट घुमा दी, नाव तैर दे, जागे और जा करके रहे और अपने अधिकार के लिए लड़े कि हमें दो वोट का अधिकार चाहिए, मुस्लिम समाज को एक पृथक निर्वाचक क्षेत्र चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? इसीलिए हमें ये मेन मुद्दे रखने होंगे। और ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास में, हमें नहीं चाहिए आरक्षण। ईडब्ल्यूएस वो है आरक्षण जो 2% के लोग 80% का कब्जा करे हुए हैं। हमें जो है मांगने वाले नहीं है, हुक्मरान कौन है? हम बहुजन समाज के लोग, हुक्मरान कौन है? हमारी हुक्मरानी करनी है। और आज हम पे हुक्मरान कौन? 2% का लोग बैठे हुए वो हुक्मरानी कर रहे हैं। आज जो उनसे कांग्रेस की बात करते हैं, वही बैलेट पेपर लाया, खत्म किए थे, ईवीएम लाए थे, डिजिटल बना रहे थे, और जो उनसे आज पार्टी में आज बैठे हुए हैं, उन्होंने इसका भी विरोध किया था, लेकिन आज विरोध नहीं है। आज वो विरोध नहीं दिख रहा जो जनता खुल करके आज मंचों पर यहाँ इतना कुछ अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके बैठे हैं, आए हैं। आज वो देखने वाले उनकी आंखों पर चर्बी चढ़ गई है, तब जागेंगे। ये हम लोगों को, आप लोगों को मिल के सबको खड़ा होना पड़ेगा। होंगे सब लोग खड़े? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। बहुजनों निकलो मकानों से, जय लड़ो इन बेईमानों से। बहुजनों निकलो मकानों से, आवाज नहीं आ रही आपकी, कहां से लड़ोगे? बहुजनों निकलो मकानों से, बहुजनों निकलो मकानों से। शुक्रिया, थैंक यू। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ।